देश आजादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है, वहीं आजादी के इतने साल होने के बाद भी किसान अपने भविष्य को लेकर क्या सोच रहे हैं, साथ ही हाल के समय में कृषि के क्षेत्र में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर किसान अपनी मांग को रख रहे हैं, सुनिए किसान तक पर किसानों की मांग। आज हम परवल तोड़ रहे हैं अपने खेत में। आप देख सकते हैं कि भारत सरकार ने फल और सब्जी पे MSP निर्धारित नहीं कर रहा है। 35 अनाज पर MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित भारत सरकार करती है। मंडी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा नहीं है। आप जानिए कि मंडी व्यवस्था नहीं होने के कारण हम किसान लोकल व्यापारी को कम कीमत पर हम सब्जी बेचते हैं और वो 15 रुपये परवल जो है सो हमारा लेता है और वही परवल 50 और 40 के रेट में बेचता है। बीच में व्यापारी हम किसानों का शोषण करता है। सरकारी मंडी होता तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से हम जो कम कीमत पर सब्जी और फल बेचते हैं उसका MSP निर्धारित होने पे हमारा शोषण नहीं होता। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि फल और सब्जी का भी MSP निर्धारित करे और राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि सूबे बिहार में सरकारी मंडी का व्यवस्था किया जाए ताकि फल और सब्जी हम MSP पर बेच सके और हम किसानों का शोषण होने से हम बच सके। आज हम सब आजादी का 77 वर्ष हो चुके हैं और 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस पे हम किसान कहाँ हैं और हम किसानों की दिनचर्या में बदलाव हुआ ऐसा कुछ लगता नहीं है। पहले और आज की अपेक्षा में कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं तो बहुत चीज़ें किसानों के लिए खराब भी हुई हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। कहा तो जाता है कि किसान भाई पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन किसानों को ही अनदेखा किया जाता है। बातें तो किसानों की ही की जाती है लेकिन पर्दे के पीछे किसानों को ही अनदेखा किया जाता है। आज बहुत सारी चुनौतियां हैं, किसान आज किसी पदाधिकारी या किसी के पास जाता है तो उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। पहले किसान अपने ज़मीन के स्वयं मालिक हुआ करते थे, उनके हिसाब से उनके ज़मीन का अधिग्रहण हो या जो भी हो वो होता था। आज किसानों के साथ जबरदस्ती होती है, किसानों की ज़मीन आज 77 साल आज़ादी के होने के बाद किसानों के ज़मीन का अधिग्रहण बगैर उनके मंतव्य जाने हुए, बगैर उनकी इच्छा का उनका ज़मीन अधिग्रहण किया जाता है और ना ही उसका मुआवजा अच्छी तरह से मिल पाता है। तो कहने के लिए तो 77 साल हम लोग आज़ादी का मना रहे हैं लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं किसान आज कहीं ना कहीं सिकंजे में फंसते जा रहे हैं, गुलामी की एक तरह से जंजीरों में फंसते जा रहे हैं। जिस तरह का किसान के प्रति आंतरिक माहौल है, नहीं लगता कि किसान स्वतंत्र है। कारण कि किसानों को हर चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए, जबकि ये बताया जाता है कि आज भी अपने देश का 70 से 75% आबादी कृषि पे आधारित है, फिर भी किसानों को अनदेखा किया जाता है। कारण कि ना आज किसानों के पास ये अधिकार है कि किसान अपने प्रोडक्ट का, अपने उत्पादन का रेट तय कर सके, ना ये अधिकार है कि अपने मन मुताबिक अपने लागत मूल्यों के हिसाब से अपने प्रॉफिट को जोड़ के अपने उत्पाद का रेट तय कर सके, ये कहीं नहीं। तो ये 77 साल मनाने के बाद किसानों को ये सब आज़ादी चाहिए, कम से कम किसानों के हिसाब से ये लगे। किसान ही नहीं रहेंगे तो लोगों का पेट नहीं, घर पेट ही नहीं भरेगा। तो सरकार से आग्रह है और नर्म निवेदन है कि ये सब किसानों की ये समस्याओं कि जो जंजीरें पड़ी हुई हैं इससे किसानों को आज़ादी दिलाई जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।